अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी इरेलीवेंट ज़रूर है, लेकिन इसके बिना आवाज़ के मियार को बेहतर बनाना मुमकिन नहीं है। मेरे पास है आज बोया बाय M1 माइक, जिसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके फीचर्स और इसकी स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं और इसके बार कोड भी दिया हुआ है, इसकी मदद से आप इसका फेक और ओरिजिनल चेक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय जे गिफ्ट शॉप, जिसको खुद से ज़्यादा अपने मियार पर एतमाद है। अगर आप भी कस्टमाइज्ड ज्वेलरी चाहते हैं, जिसमें रिंग्स, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, ईयर रिंग्स, बैंगल्स, ब्रॉच, कफलिंक्स और डिफरेंट किस्म की डील्स, आप लोगों के इवेंट्स के लिए वॉलेट्स, की चेन्स और इसके अलावा बहुत कुछ, तो इन सब के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके अपनी मनपसंद आइटम परचेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने माइक की अनबॉक्सिंग की तरफ। इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये एक पाउच निकला है। पाउच के बाद ये एक वारंटी कार्ड हमारे सामने है। वारंटी कार्ड के बाद ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसके अंदर आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इस माइक के हवाले से। और इसके बाद ये इस पाउच के अंदर से हम देखते हैं हमारी मेन आइटम, मेन माइक, और ये सिलिकॉन जो कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर होता है। और यहाँ पर ये एक्सेसरीज़ का एक पैकेट है, और मेन हमारे पास ये माइक है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही दिखने में खूबसूरत है। और इसकी ये मेटल की बॉडी है, इसकी जो वायर है वो तकरीबन 18 फीट है। ये मेटल का इसका एक पावर पैक है, जिसके ऊपर एक स्विच दिया हुआ है, जो कि कैमरा और ऑफ स्मार्टफोन का है। कैमरा पे करेंगे तो इसके अंदर बैटरी के ज़रिए ये DSLR डिवाइसेस के साथ अटैच हो जाता है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर यहाँ पर ओपन करते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर बैटरीज डालने की जगह है, और वो देख सकते हैं बैटरीज के अंदर देखते हैं एक्सेसरीज में होंगी। और इसको हम बंद करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास मेन पार्ट है इसका माइक्रोफोन, जो कि इनपुट के काम आता है। और इसके बाद हम ये एक्सेसरीज़ का पैकेट ओपन करते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या है। और यहाँ पर हमारे पास है एक बैटरी, और इसके बाद है एक फोम जो कि विंडस्क्रीन के लिए काम आता है, जो कि हम माइक्रोफोन के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास है ये एक अडाप्टर पिन, जो कि एम्पलीफायर वगैरह के अंदर यूज़ होती है। और यहाँ पर अब हमारे पास है एक, ये है हमारे पास एक क्लिप, और जो कि माइक के साथ लगेगा, माइक्रोफोन के साथ अटैच होगा। इस फॉर्म को हम इस माइक के ऊपर लगाते हैं, और इसके बाद इस क्लिप को हम इसके साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये क्लिप किस तरह से एडजस्ट होगा, और ये क्लिप इस तरह से लग जाएगा। लगने के बाद ये माइक कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है इसका एक बहुत अच्छा पाउच, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बेहतरीन किस्म का है। या और ये है टोटल इसका रिव्यू, और इसके बाद हम देखते हैं इसके सिनेमैटिक शॉट्स।